गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को बधाई। आज जैसे कि इस बीते ही बिहार का थर्ड सेम, फिफ्थ सेम, थर्ड सेम एली वालों का रिजल्ट आ चुका है। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी वीडियो देखा होगा कि आज बोला गया था कि 3 बजे के अप्रोक्स में आप लोगों का रिजल्ट आएगा, लेकिन 12 बजे के बाद ही रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक रिजल्ट देख लिया है, और वैसे बच्चे जिन्होंने अभी तक रिजल्ट नहीं देखे हैं वो जाके अपना रिजल्ट देख ले, पब्लिश हो चुका है। हो सकता है साइट सर्वर मेरा स्लो हो, लेकिन वो जब आप रिफ्रेश करते रहोगे तो वहां पर शो करने लगता है। ठीक है, तो वंस अगेन सभी को बधाई जिन्होंने पास किया है ये एग्जाम, अच्छे मार्क्स से पास किया है। अब आप लोग नेक्स्ट सेम की अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर एग्जाम होता है तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अभी से जिस तरीका से इस बार पास किए हैं उससे अच्छे मार्क्स से अगले सेमेस्टर में आप लोग पास कीजिए। ये एक हम लोगों की उम्मीद है, आशा है आप लोगों से। दूसरी बात हम करना चाहेंगे यहाँ पर, वैसे बच्चे जो जिनको कैरी लग गया है, ठीक है, वो घबराना नहीं है, जो सिर्फ कैरी हैं, ठीक है, एक फेल वाले, दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। वैसे बच्चे जिनको आज कैरी लग गया है, मान के चलो 2 सब्जेक्ट में या 1 सब्जेक्ट में अगर जिनको कैरी लगा हुआ है वो घबराए नहीं। उनको अगर लगता है कि उनको 1 सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स है या 2 सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स है, फिर भी उन्हें कम मार्क्स मिला है, तो वो एक स्पुतनी फॉर्म आता है, ठीक है, हम बता दिया जाएगा। स्पुतनी फॉर्म होता है, स्क्रूटनी फॉर्म निकलता है, उसका डेट जैसे ही पब्लिश होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कैसे उसको भरना है। तो वो आप लोग भर सकते हो, अपना कॉपी को रीचेक करा सकते हो, कॉपी को रीचेक करा सकते हो, ठीक है। जो बच्चे फेल कर गए हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि SBD में पास करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब ऐसा नहीं कि पास करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने कॉपी में अच्छे से नहीं लिखोगे, सभी चीज को डिफाइन नहीं करोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप लोग चिंता ना करें, आप लोग भी स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं और अपने कॉपी को रीचेक करा सकते हैं कि ठीक है, कि आपको कि कितना मार्क्स आया, किस सब्जेक्ट में कितना लग रहा है, ठीक है। तो हम इस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे आप लोगों का, कि स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में हम अलग से एक वीडियो डालेंगे। आज हमारा मेन मकसद जो था, ये जो सिर्फ वीडियो में बना रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को जो पास कर गए हैं उनके बधाई देने के लिए, ठीक है। और आप लोग अच्छे से पढ़े हैं, थर्ड सेम में तो आप लोग पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, इसकी तो बात है, ताकि उनका एग्जाम भी ऑफलाइन हुआ था और आप लोगों ने अच्छे से अच्छा खासा टाइम भी मिला था, आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी किए थे। बहुत सारे अभी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे मार्क्स भेजे हैं, अभी तक जो मार्क्स आया है मेरे पास, 2 स्टूडेंट्स जो टॉपर अभी तक निकले हैं, जीपी बीजेपी से और सिविल से और कंप्यूटर साइंस से, दोनों को मेरे तरफ से फिर से बधाई आप लोगों को, हमारे ही स्टूडेंट थे ये, ठीक है। तो आप लोग आप क्या करो, जो आप लोग नेक्स्ट सेम में गए हो, जो बच्चे 4th सेम में गए हो, जो बच्चे 6th सेम में गए हो, उनको अभी से हमारे पास अगर एग्जाम अगर होता भी है तो हमारे पास यहाँ से 1 से 1.5 महीना है। तो आप लोग क्या करो, सेल्फ स्टडी पे पूरा फोकस करो, अच्छे से थोड़ी पढ़ो, ठीक है, क्योंकि आप जल्द ही आप लोगों का फिर से एग्जाम होने वाला है, ठीक है, अगर होता है तो, ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ कि होना ही है, अगर एग्जाम होता है तो, ठीक है, क्योंकि अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया गया है कि एग्जाम होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा या प्रमोट करेगा, कुछ भी अभी तक डिस्कस नहीं किया जा रहा है। तो इसके बारे में बोलना गलत होगा कि क्या कैसा सिचुएशन रहने वाला है आगे, ठीक है। वैसे भी आप लोग सुन ही रहे हो कि कौन स्कूल कॉलेजेस खोल दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल से अगर मेरा ओपिनियन पूछा जाए तो थोड़ा मुश्किल ये डिसीजन है गवर्नमेंट का, इस समय भी स्कूल कॉलेजेस को खुलने की बात की जा रही है, तो देखते हैं आगे क्या रिपोर्ट आता है, ठीक है, उसके बारे में फिर हम लोग बात करेंगे आगे इसके बारे में हर एक पॉइंट को लेके। चलो, आप तो आप लोगों को एक अच्छे मार्क्स ले आए, ठीक
अब आप लोगों को क्या करना है, टीचर लोगों को भी पार्टी देना है, ठीक है? ऐसे मजाक कर रहे हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट में। वंस अगेन आप सभी को बधाई हो, जो जो बच्चे अच्छे मार्क्स से पास किए हैं, अपने अपने मार्क्स और कॉलेजेस लिख के या सेमेस्टर लिख के हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं। थैंक यू।